अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। मध्य प्रदेश में अपराध बेलगाम है और अब हवस के दरिंदे मासूम लड़कों को भी अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया, जहां नौवीं के छात्र से मंदिर के बाबा ने दुष्कर्म किया। दरअसल बाबा ने 13 वर्षीय छात्र को मंदिर के पीछे एक कोठरिया में किसी काम से बुलाया और यहां जबरन उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। छात्र विरोध ना करे इसलिए बाबा ने ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी बना लिया। जानकारी कहती है कि ग्वालियर के ओटीला थाना स्थित टांगकोली गांव में 13 वर्षीय छात्र अपने परिवार के साथ रहता है। गांव के पास ही एक पुराना मंदिर है, जहां गांव का ही रहने वाला रोशन लाल यादव उर्फ बाबा मंदिर की देखरेख करता है। वहीं यहां पुजारी का काम भी देखता है, जहां स्कूल आते जाते समय छात्र मंदिर पर जाता रहता था। इस दौरान बाबा से भी बातचीत होती रहती थी। करीब एक महीने पहले बाबा ने छात्र को बाजार से कुछ सामान मंगाने के लिए मंदिर के पीछे अपनी कोठरिया में बुलाया। यहां छात्र के पहुंचते ही बाबा ने उसे धक्का देकर खटिया पर पटक लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि घटना एक महीने पहले की है। घटना के बाद से ही छात्र काफी गुमसुम सा था और पेपर देने भी नहीं जा रहा था। इस पर मंगलवार को उसके पिता ने पूछताछ की, जिसके बाद छात्र ने पूरी घटना का खुलासा किया। छात्र को लेकर परिजन उटीला थाना पहुंचे, जहां छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्गत एक टाकोला खुर्द एक गाँव है, जहां पर कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि जब परिवार को पता चला तो उनके द्वारा बच्चे से पूछा गया। बच्चे के द्वारा बताया गया मंदिर में एक बाबा रहता है, उसके द्वारा इसके साथ ये इस तरह की घटना की गई है। एक अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ गलत काम किया गया है और जो बाबा था जो मंदिर पर ही रहता था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।